वो फल के मशीन में भाखरी बनाई है। नाश्ता वगैरह सब लेने के लिए जाना है अभी। पिज्जा बनाने वाले हैं तो आज पिज्जा पार्टी। पिज्जा नहीं, पिज्जा नहीं, नाम बढ़ गया। नहीं देखते तो मैं भी नहीं। अभी यहाँ पे रिपेयरिंग काम चालू हो गया। कैसे आप सब, आई होप अच्छे ही होंगे। वेलकम टू आवर लोग। तो अभी सुबह सुबह बज गए हैं 10:30 या 10 बजे, सिर्फ 10 ही बजे हैं अभी तो। और हमने अभी ये सब क्लीन कर दिया है थोड़ा थोड़ा, तो ये सब सामान यहाँ पर शिफ्ट कर दिया थोड़ी देर। और इसका चादर जो था वो हमने वॉश करने के लिए रखा, तो इसलिए ये सब इधर हिस्सा ही पड़ा हुआ है। और मम्मी ने एक जुगाड़ लगाया है। मम्मी क्या जुगाड़ लगाया, क्या जुगाड़ लगाया? इसमें भाखरी बनाई है, वो फल के मशीन में भाखरी बनाई है, भाखरी। ये देखो मेरे पास आधी बची हुई है और ये पूरी। पहले भाखरी का बैटर बना दिया है इतना पतला सा। तो अभी बहुत क्रिस्पी नहीं हो रहा है, लेकिन काम चलाओ जैसी भाखरी बन रही है। तो गाइज अभी पोछा लगाने से पहले मैं अपना मिल्क पी लेती हूँ, तो अभी ठंडा भी हो गया है थोड़ा थोड़ा। बाद में इतनी सारी दवाइयाँ भी लेनी है। तो गाइज अभी 11:15 बज चुके हैं और अभी कुछ भी रसोई में बनाया हुआ है नहीं। हम लोग खाने के लिए बैठ चुके हैं और आज हमने बनाया है केक और पोटैटो की सब्जी, दाल राइस वगैरह सब। अभी मेन मेनू हो गया है हर रोज दाल राइस बनाने का। तो अभी खाने के लिए बैठ चुके हैं फ्रेंड्स। अभी मस्त फ्री हो चुके हैं और थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, बाद में मुझे बाहर भी जाना है। सब नाश्ता वगैरह सब लेने के लिए जाना है अभी, क्योंकि 5 दिन ही बाकी हमारे जाने में, तो इसलिए थोड़ा सा नाश्ता भी लेकर आए और रेडी टू ईट भी लेकर आना है, पाव भाजी वगैरह सब्जी वगैरह सब। तो अभी देखते हैं महावीर में जाए या फिर यहाँ पर प्राइम स्टोर से वहाँ पे जाए या फिर हमारे यहाँ पर नाम याद नहीं आएगा, तो बहुत सारी इतनी बेकरी शॉप है यहाँ पे, तो कहाँ पर जाए वो अभी मालूम है नहीं। तो गोपाल अब जब ऑफिस से आ जाए, बाद में हम लोग जाने वाले, बने रहो तब तक हमारे ब्लॉग में हम लोग कौन सी शॉप पर जा रहे हैं। तो गाइज अभी कल का जो थोड़ा सामान बाकी रह गया था वो अभी हम लोग प्राइम स्टोर में लेने के लिए आ गए हैं। और क्या लेने के लिए आए थे वो अभी थोड़ा ढूंढ रहे, मिले तब आपको बताएंगे कि हम लोग ये लेने के लिए आए थे। और वफल का प्रीमिक्स हम लोग कब से ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल ही नहीं रहा है यहाँ पर। अभी देखते हैं आगे आगे कि वहाँ पर हो है या नहीं, वैसे तो लग नहीं रहा है। यहाँ पर तो सब चाय वाय वगैरह सब है। अभी हमारे घर के सामने जो वर्धमान ऐसा प्राइम स्टोर जैसा है बड़ा वाला, वहाँ पर देखते हैं कि मिलता है या नहीं। तो अभी हम लोग प्राइम से सीधा वर्धमान स्टोर में आ गए हैं गाइस। तो अभी यहाँ पर देखते हैं कि कुछ मिलता है या नहीं, क्या लगता है मिलेगा कि नहीं मिलेगा यहाँ पर। अभी हम लोग वर्धमान में आ चुके हैं गाइस, तो अभी यहाँ पर देख रहे हैं लेकिन मिलने वाला है नहीं। ऐसा लग रहा है क्योंकि ये क्वांटिटी ज्यादा रखता है सब, वो तो प्रेम वाला है ना, अभी बंद करने का इरादे में ही है मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि वहाँ कुछ मिलता ही नहीं है ज़्यादा। तो अभी हम जो दो लेने के लिए आए हो तो दो जगह पे जाके आए, दो प्राइम बड़ा बड़ा स्टोर में, कहीं पे भी दिखा नहीं। तो अभी फाइनली यहाँ पे पनीर ले जा रहा है, क्योंकि शाम को अभी डिनर में मामा और मामी और सब लोग आने वाले हैं और कज़िन लोग पिज्जा बनाने वाले हैं, तो आज पिज्जा पार्टी है घर पे। तो अभी पनीर बनी फुले का, तो उसका दिसंबर में मैरिज है, तो अभी फुले का देने का है। तो अभी पनीर बनी ले लिया, वफल्स का तो प्रीमियर
कोई मिक्स मिला नहीं तो अभी दूसरा कुछ लेना का है तो अमेज़न से मंगवाना पड़ेगा या फिर वो तो यहाँ हो बेल्जियम बफल में से ले लेंगे ना वहाँ पे मिल जाएगा नहीं तो तुलसी में जाएगी वैसे तो सिटी लाइट जाने का ही है। तो अभी हम लोग घर आ चुके हैं और गोपाल ने तो देखो खाना पीना चालू कर दिया है नाश्ता वास्ता ये सब पैकेट खाली कर दिए तो हम यहाँ पर बैठ चुके हैं और मम्मी ने ये सब देखो अभी तैयारी कर रखी है ओवन सब डिश प्लेट्स वगैरह सब बाहर निकाल दिया था और दो भी कम्प्लीट कर दिया है अभी बैठे बैठे ब्लॉग ले रहे हैं उठ के देना लेना चाहिए सब भी तो भी सब दिखा दिया जूम कर करके दिखा दिया कुछ बोल रहे थे क्या बोले क्या आपके सामने कुछ बोल नहीं सकते हम अभी थोड़ी मेहमान आने को थोड़ा देर है तो इसलिए मम्मी ने पहले से ही थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन करके रख दी है यहाँ पर एक मस्त पनीर वाली ग्रेवी बना दी है और हरीसा पेस्ट भी बना दी है वो हमने फ्रिज में रख दी है और यहाँ पर दो ओ बाप रे ये देखो दो पूरा ऊपर आ चुका है गाइस थोड़ा ढक देते हैं मम्मी अभी लुआ बना देगी तब तक मैं करने लगूंगी तब गेस्ट जब आए तब वो सीधा खाने के लिए बैठ जाए ऐसा ही करना है क्योंकि इसमें वेट करना पड़ता है एक डिश चढ़े और एक डिश हम लोग दूसरी रखेंगे तो इसलिए चलो अभी थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन चालू कर देते हैं तो अभी आज घर पे मेहमान आने वाले हैं तो घर पे आज पिज्जा पार्टी है तो पिज्जा नहीं पिज्जा नहीं पार्सल है को तो मैं तो पिज़्ज़ा के बेम में ही चल रहा हूँ सुबह मॉर्निंग से कि आज पिज़्ज़ा बनने वाला है पिज़्ज़ा बनाना चाहिए ना चिंगी पार्सल तो खाता रहता है वो उन लोगों को चिंगी पार्सल खाना उन लोगों को पार्सल खाना था और आज तो हम ये मास्टर शेफ बन गए हैं भाई नया टी-शर्ट प्रॉप भी पहन लिया आपने एप्रन पहन लिया है तो अभी यहाँ पे देखिए स्टफिंग बना दिया है पनीर का अभी यहाँ पे झिंगी पार्सल बन रहा है मेरे को तो पिज़्ज़ा का फेम था पर झिंगी पार्सल बन रहा है पिज़्ज़ा नहीं मिलेगा कहाँ से सीख के है भाई हमको भी सिखाते रहे ना आप थोड़ा हमारा नाम भी बढ़ाना आगे हमारे छोटे आदमी के सामने देखने का नाम बढ़ जाए तो नहीं देखते तो मैं भी नहीं देखती क्यों सब घर में वो खाना पीना और वो रेस्टोरेंट में ले जाने का कपड़ा ले जाने का देने का वो कौन देखता है मैं नहीं देखता हूँ अभी ना बोला ना अभी बोल रही है कि क्या सो बोलना है पता ही नहीं चल रहा है इसको खाना बनाओ भाई आप उसमें ही चलोगे अभी ये देखो कितना सारा लोड बना दिया है कितना फूला था इतना ही लोड फूल के इतना बड़ा हो गया देखिए ये कितना किलो है क्यों बोलना चाहिए किलो 500 2 किलो लोट है और दूसरा लोट यहाँ पे पड़ा है अटैक थोड़ी आएगा डिनर पे बुलाने हैं बुलाए हैं सबको तो इतना तो लोट तो सामने से फोन आया था और फूले का भी देने का था ना फूले का नहीं है फूले का तो बाकी तो फूले का कहाँ देने का है रेस्टोरेंट में जाने का है फूले का देने जहाँ दे वहाँ कर देंगे होटल में आके बाद में भाई बीज का भी खिलाना पड़ेगा ना तेरे को तो साथ में हो जाएगा फूले का हो जाएगा भाई बीज हो जाएगा सब हो जाएगा ना तेरा कि वो दोनों अलग अलग करने का तो चलो
उसका तो चलता रहेगा। तो अभी यहाँ पे चिंगी पार्सल बन रहा है, पिज़्ज़ा नहीं बन रहा है भाई, मिस्टेक हो गई थी मेरे को आज। तो अभी मेहमान भी अभी आए नहीं है, 7 बज गए। वैसे भी वो 8 बजे आने वाले, लेट आते हैं, शांति से आने वाले हैं मेहमान हमारा। तो कितने बजे? 7 बजने आएंगे। कितने बजे? 7। सबको पर्सनली बोलना पड़ता है क्या? सुनाई नहीं देता। तो कान का कान सफाई अभियान चालू कीजिए। आपने सवाणी में करवाया ना 50 रुपए में कान साफ? 50 रुपए में एक करवाया, 2 कान 100 रुपए में करवाया। करवाया वा? हाँ। बोला बैठा ही था। थाई गया। अटला उधर काइडो मेल बहुत दो काइडो। तो अभी जिंगी पार्सल बना दी है, देखिए आपको दिखाता हूँ एक दो में से कितना सारा जिंगी पार्सल बनता है। ये दो है ना, एक में से देखिए ये पॉकेट बनाया, इतना सारा, इतना पॉकेट बना। ये तो बड़ा वाला था। 6। इससे बड़ा था, इससे बड़ा वाला था 2, उसमें से बनाया टोटल 8। 8 पॉकेट बनाया देखिए। अभी ये मस्त बैक होके आएगा ना, बाद में आपको दिखाएंगे। उसके ऊपर थोड़ा सब हमारा घर पे ही लोट बनता है, होममेड, होममेड चीज रहती है सब। क्या क्या बोलती पब्लिक? पब्लिक यस यस ही बोलती, यस। ये लाइट बट निकल जाती है भाई, साइड पे रखो लाइट बट। पहले ऊपर रहती थी तो भी प्रॉब्लम थी, अभी यहाँ पर रहते तो भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है, वो लट बाहर निकलती है ना, तो उसमें से एक बाल निकल के इसमें चला जाता है खाने में, तो दिक्कत आ जाएगी ना, इसलिए बोल रहा है। अच्छे मानसों को आता है, हमें तो कभी बाल नहीं। अच्छे लोग को ही बाल आता है, हमको ही आता है, आपको तो कभी नहीं आता है। वो स्टफिंग ये पनीर के साथ वो नीचे क्या लगाते हैं वो तो दिखा दीजिए। हरीसा पेस्ट वो भी होममेड ही है, दिखा दो हरीसा पेस्ट। देखिए हमारा हरीसा पेस्ट होममेड, और मोजरेला चीज वो होममेड नहीं है भाई वो। तो अभी जिंगी पार्सल बन रहा था और ओवन स्विच बोर्ड के तक पहुंच नहीं रहा है उसका केबल, तो उसका सप्लायर के लिए अलग से बोर्ड रखा था, तो कांड हो गया है। तो अभी देखो आधा बैक हुआ है और अभी यहाँ पे रिपेयरिंग काम चालू हो गया, बोर्ड रिपेयर चल कर रहे हैं कि उसमें धुआं निकलने लगा। तो अभी हेलो वायर वोलो थी गया है, એટલે गोपा नो गाड़ी ले फटाफट डोमेस्टिक प्लग लिए ले तो जल्दी। तो गाइस अभी यहाँ पर इतने सारे बंस बन चुके हैं चिंगी पार्सल, और थोड़ी स्टॉप कर दी है, और इतना सारा बचा हुआ है, और यहाँ पर सब ने खाना खा लिया है, सिर्फ मिशा और वत्सल ही बाकी रह गए हैं, और यहाँ पर मेरे नाना जी और मामा जी लोग खा रहे हैं।